विधानसभा चुनाव का प्रचार अब अपने अंतिम चरण में है, जहां आज शाम से चुनाव प्रचार बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे में सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं गन्नौर में बसपा के उम्मीदवार जितेंद्र रंगा ने अपना रोड शो निकाला, जिसमें सैकड़ों की भीड़ दिखी। तो वहीं भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महामंत्री संगठन सुनील बंसल और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने चुनावी सभाएं और बैठकें की। वहीं कांग्रेस के लिए प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और सपा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल सहित अन्य नेताओं ने भी प्रचार किया है। समाज पार्टी की सरकार, बहन कुमारी मायावती की सरकार, बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसी बहुत खासियत है इसमें जो मतलब लोग जुड़े हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन करने के लिए आई है। हमारा जो मूल उद्देश्य है सत्ता पाना नहीं है, हम चाहते हैं सत्ता के अंदर परिवर्तन करके जो हमारा जो पिछड़ा हुआ समाज है, जो पिछड़े लोग हैं, जो सत्ता से पिछड़ गए हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना हमारा मूल उद्देश्य है। बैलेंस ऑफ पावर बनते हैं देश में, समता मिले, समाज की हम जो बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और गैर बराबरी के खिलाफ जो हमारी लड़ाई चालू है, वो बहुजन समाज पार्टी की मेन थीम है। गरीब गुरबे की पार्टी है, गरीब जो पिछड़े की पार्टी है, किसान मजदूर की पार्टी है। इसलिए इस बार उत्तर हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी की सरकार है, ये मेरा उम्मीद है, मेरा वादा है। धन्यवाद। बस सभी भाईचारा बना के रखती है सबके साथ में, करप्शन को मिटाती है, भाईचारा बढ़ाती है। आज की जो सरकार है उसने देखे सब कुछ है, नवरत्न कंपनियों तक को बेच डाला है, जो बहुत अच्छी अच्छी कंपनी जो गवर्नमेंट को बेनिफिट देती है उनको बेच डाला है। बाकी जो है बसपा सरकार है।